हर आयुर्वेद में के तक हूँ, जो आधुनिक वेशभूषा में भी प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं बुखार के लिए भी पैरासिटामोल लिखते समय बहुत सोचता हूँ। मेरे आपसे पैरासिटामोल, आप जो पारंपरिक हमारा तरीका है भारतीय तरीका मल त्याग करने का, वैसा आप मल त्याग करें तो 50 तो केवल हंसते रह जाएंगे, वो बैठेंगे ही। वो 10 मिनट बैठना शुरू हो, उस क्वेश्चन में 10-15 में से 5 ने चश्मा पहना होता है। वो चश्मा जो कभी बच्चे पहन करके और हंसा करते थे, मजाक किया करते थे, मैं नाना, मैं नानी या मैं दादा, आज वो 2-2 साल के बच्चे हमारे वो चश्मे पहन के बात करें तो सब हम लोग बहुत नीचे जा सके। शरीर की अवस्था के अनुसार यदि आप जल को सेवन करते हैं सही मात्रा में, सही समय पर और सही विधि से, तो ये आपके शरीर को पोषित करता है, ये आपके लिए अमृत है। इसके विरुद्ध जाकर के यदि आप बहुत अधिक मात्रा में जल का सेवन करते हैं, गलत समय पर जल का सेवन करते हैं, गलत विधि से जल का सेवन करते हैं, तो निश्चित ही आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और ये नुकसान इतना अधिक होता है कि शास्त्रों में और वेदों में इसको विष तक की संज्ञा दी गई है। तो इसलिए हमेशा पानी जो है वो अपने शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिए। तो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए सुबह उठ करके एक गिलास गर्म पानी सिप सिप करके पीना चाहिए, संयम के साथ, भोजन के साथ लगभग एक कप पानी गर्म जो है वो सिप करके पीना चाहिए। जैसे प्राय नाश्ते में आप